हे गाइस, दिस इज अतीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फैशन फिल्टर। गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं मेट्रो में हूँ। अब आपको ये बताने की जरूरत तो मुझे नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपने थंबनेल से देख ही लिया है कि हम गोवा जा रहे हैं। मैं आपको अपने साथ गोवा लेके जा रहा हूँ। सो देखते हैं हम गोवा में क्या मस्ती करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अब मेट्रो इंटरचेंज कर लिया और हम आ चुके हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे। सो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो पे डिबोर्ड करना है और मेरा जो टर्मिनल है जिससे मेरी फ़्लाइट जाने वाली है वो है T2। सो पहले हम T3 टर्मिनल पहुँचेंगे और फिर उसके बाद मैं वॉक करके T2 टर्मिनल जाऊँगा। सो देखते हैं अभी हमें कितना टाइम और लग जाता है। सो गाइज, अभी हम धौला कुआं क्रॉस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेशन एयरपोर्ट होने वाला है। सो देखते हैं अभी कितना टाइम हमें और लग जाता है। वैसे मैंने 7 o'clock अपनी जर्नी स्टार्ट की थी घर से। सो अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और मेरी जो बोर्डिंग टाइम है वो है 9:15, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है वो है 10 o'clock की। सो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है। गाइज, जब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट मेट्रो और मेट्रो के बाहर मुझे बहुत सुंदर सा इंस्टॉलेशन देखने को मिला जिसमें अर्थ के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल से डिज़ाइन बने हुए हैं। सो बस अब मैं जस्ट एग्जिट करने वाला हूं और उसके बाद मुझे T2 टर्मिनल की तरफ बढ़ना है। मुझे पता चला है कि T3 से T2 टर्मिनल पर वॉक करने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। सो मैंने फटाफट से अपने आप को स्पीड अप कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बोर्डिंग के लिए लेट हो जाऊँ। सो बस हम फटाफट से निकल के T2 टर्मिनल पर जाएंगे और अब हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ और देखते हैं कितना टाइम अभी मुझे और लग जाता है। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ T2 टर्मिनल और मैं टाइम से पहुंच गया था। सो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अब बस अब मैं एंट्री करने वाला हूँ, फिर मैं अपने उसके बाद अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करूंगा। सो गाइज, अब बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी हुई है। मेरी फ़्लाइट इंडिगो से है तो देखते हैं अभी यहाँ पर और कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं बोर्डिंग के लिए लेट ना हो जाऊँ। बट लेट्स सी, मैं अब जल्दी से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ। सो हम आ चुके हैं, बस अब हम एंट्री करने वाले हैं अपने एयरक्राफ्ट। यहाँ पर अभी काफ़ी सारे इंडिगो के एयरक्राफ्ट आप देख पा रहे होंगे और हमने अब देखिए टेक ऑफ कर लिया है और फ्लाइट में से आप देख पा रहे होंगे दिल्ली को बर्ड आई व्यू से। देखिए दिल्ली कितनी सुंदर लग रही है हम जब इसको बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं। तो ये सो फाइनली वी हैव रीच्ड गोवा और आप सामने देख पा रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, वेलकम टू गोवा। तो यहीं से वाइब आ रही है कि गोवा में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। सो अभी जस्ट हमने एक टैक्सी हायर की है। हमारा जो रिजॉर्ट है वो है विस्परिंग पाम्स बीच रिजॉर्ट, जो कि कैंडोलिम बीच पे है और यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है। सो हमने अभी कैब हायर की है और मुझे लगता है 30 to 35 मिनट्स में वहाँ पर पहुँच जाने वाले हैं। और देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी पीसफुल वाइब्स आ रही हैं, मतलब दिल्ली की तरह एकदम हौच पौच भरा शोर शराबा नहीं है, बहुत ही पीसफुल है और बहुत ही एकदम डिफरेंट वाइब मिल रही है। हर जगह आप देख पा रहे होंगे एकदम पाम ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, कोकोनट ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे और बस हम अब जिस अपनी टैक्सी राइड को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सो रास्ते में सारे में पाम ट्रीज़ और कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए हैं और यहीं से पूरी गोवा वाली वाइब आ रही है। सो देखते हैं अभी हमें पहुँचने में और कितना टाइम लगता है। हमने हाफ वे जर्नी क्रॉस कर लिया और अभी हमें लाइक विद इन 10 to 15 मिनट्स हम अपने होटल पहुँच जाने चाहिए। सो गाइज, हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रूम मुझे मिला है। यहाँ पर रूम में आप काफ़ी सारी जितनी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं वो सारी अवेलेबल है। टीवी लगा हुआ है, लॉकर है और बहुत सुंदर सी बालकनी है बाहर। इसके अलावा डबल बेड पड़ा हुआ है और वॉल पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट लगी हुई है। इवन मतलब सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम है, एसी लगा हुआ है। और मैं आपको एक बार वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। देखिए वॉशरूम में सारी टॉयलेटरीज वगैरह एक्सेट्रा रखी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत सा रूम मुझे मिला है। ये देखिए मैं आपको दिख गया और देखिए बहुत ही सुंदर रूम है। मतलब Oh,
के अभी 11 बज रहे होंगे और हम कैंडोलिम बीच आए हैं। सो मैं देखना चाहता था रात में बीचेस कैसे लगते हैं, और रात में भी कैंडोलिम बीच बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर शैक्स बनी हुई है और काफ़ी सुंदर लाइटिंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स आ डे टू इन गोवा और कल की रात बहुत अच्छी रही। कल हमने बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए, और अब हम सेकेंड डे पे देखते हैं आज क्या प्लान बनता है। सो अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट के लिए निकला हूँ और मैंने सोचा आपको मैं रिजॉर्ट भी दिखा देता हूँ एक बार ही। सो अभी हम जस्ट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर रूम्स तो काफ़ी सारे हैं और अब देख लेते हैं हम इधर मेन एंट्रेंस जो हमारा एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसके अलावा बहुत ब्यूटीफुल सा ये स्विमिंग पूल है जिसकी अभी क्लीनिंग चल रही है क्योंकि अभी हम अर्ली मॉर्निंग में आया हुआ हूँ। और आप इधर आसपास देख पा रहे होंगे ये सारे रूम्स बने हुए हैं। सो बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट है, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ इन द गोवा। और आप देख पा रहे होंगे ये एरिया जो है यहाँ पर ये ओपन बार है, ओपन बार और ओपन रेस्टोरेंट हैं। और ये देखिए पाम ट्रीज लगे हुए हैं रिजॉर्ट में, बहुत सुंदर सुंदर कोकोनट ट्रीज भी हैं। और यहाँ पर अंदर ही एक शैक बनाई हुई है, शैक के स्टाइल में एक बार बनाया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो जो रूम्स के कलर वगैरह भी जो हैं आप देख पा रहे होंगे पेंट इतना ब्यूटीफुल किया गया है ताकि डिफरेंट डिफरेंट लुक आए। तो गाइस आपने नाइट व्यू तो कैंडोलिम बीच का देख ही लिया था, तो अब डे व्यू तो बनता है ना, तो देख लीजिए कैंडोलिम बीच कैसा लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बीच है, बहुत सारे शैक्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो बेसिकली अगर आपको कुछ खाना पीना है या आप इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपको बीच पर अवेलेबल हैं। गाइस शाम हो चुकी है और हम आ चुके हैं कैलमगेट बीच। आप जानते हैं कि गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए कितना फेमस है और आप देख पा रहे होंगे बीच पे कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है। सो हम बीच हॉपिंग कर रहे हैं बेसिकली। सो हम नेक्स्ट बीच आ चुके हैं, ये है बागा बीच। बागा बीच अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है, आप देख पा रहे होंगे कितने ब्यूटीफुल लग रहा है बागा बीच। और यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सो बेसिकली बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइज इट्स आर डे थ्री इन गोवा और हमने अपने डे की स्टार्ट की है अगवाड़ा फोर्ट जाकर, जहाँ पर बहुत सुंदर सा लाइट हाउस बना हुआ है। सो अभी हम अगवाड़ा फोर्ट घूम रहे हैं। सो गाइज अब हमने अपनी नेक्स्ट जगह पर आ चुके हैं जो कि अंजुना बीच। अंजुना बीच में बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स को वाटर स्पोर्ट्स करना था, सो बेसिकली अब हम लोग वो लोग वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर रहे हैं। और हम यहाँ पर अपने बीच साइड पर बैठ के मज़े ले रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सो देखते हैं अभी हम कितना देर यहाँ पर रुक पाते हैं। सो देखिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट हो रहे हैं जैसे कि जेट स्की, पैरा सेलिंग हो रही है, बनाना राइड हो रही है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइस इसी के साथ गोवा की ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाती है और मैं आ चुका हूँ गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी।